तो चलिए सुन, आज एक बार फिर आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेके आए हैं जो कि आपके हित में होगी। यानी कि यहाँ पे हम जो आपको जॉब बताते हैं वो आपके नॉलेज कोर से संबंधित होती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपकी क्वालिफिकेशन अगर मैच किया करे तो आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर हमने 10+2 किया है, हमने ओ लेवल किया है, हमने ग्रेजुएशन किया है, तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो ये एकदम बेकार सा क्वेश्चन है। आप लोग अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया करें। वीडियो में ऑलरेडी हम बता देते हैं क्या क्या मांगा गया है, उसके बाद भी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जो वैकेंसी आई हमारे पास। राजस्थान हाई कोर्ट RHC जोधपुर में आई है, जो कि है स्टेनोग्राफर Grade 2 & 3 की, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो अभी आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा, वेट करिएगा। 1 अगस्त से स्टार्ट होगी और 30 अगस्त तक चलेगी, यानी कि 1 मंथ का पूरा टाइम आपको मिलेगा। और 31 अगस्त को लास्ट होगी पेमेंट फ़ीस की डेट, ठीक है। एग्ज़ाम आपका CBT बेस्ड होगा, और बिफ़ोर एग्ज़ाम आपके जो है एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जर्नल और अदर स्टेट की, यानी कि राजस्थान के बाहर, यानी कि UP वाले अप्लाई करते हैं, MP वाले, बिहार वाले, या साउथ में कहीं से, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस आपकी लगेगी ₹700, ठीक है। OBC EWS की फ़ीस है 550, ST ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड की फ़ीस है आपकी 450, ठीक है। नीचे आते हैं, एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 40 है, तो बहुत अच्छी एज है लिमिट, आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन और वैकेंसीज टोटल कितनी है। तो टोटल पोस्ट है 277, यानी कि 277 वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें से पहली वैकेंसी हमारे पास है स्टेनोग्राफर आपकी Grade 3 की, जो कि हिंदी की है, ठीक है। टोटल पोस्ट है 277, और इसमें क्या क्या मांगा गया है वो आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग बाद में कमेंट ना करें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसीलिए अब इसमें 10+2 मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ 12th पास आपका होना चाहिए। एग्ज़ाम इन किस में, या तो आर्ट से हो, या फिर साइंस से हो, या फिर कॉमर्स से हो। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। इस बार उन्होंने ये नहीं लिखा है कि सिर्फ आप 12th पास हो, क्योंकि 12th पास लिखने से होता क्या है, बच्चे, बहुत से बच्चे कॉमर्स के होते हैं, बायो से होते हैं, आर्ट्स होते हैं, तो वो उनको लगता है ये खाली वैकेंसी साइंस वालों के लिए। तो इस बार इन्होंने देखिए यहाँ मेंशन कर दिया, यानी कि अगर आर्ट से हो, साइंस से हो, बायो से हो, या कॉमर्स से, किसी भी रिकोनाइज बोर्ड से हो, यानी कि या तो आप UP बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, या फिर आप क्या कहते हैं CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, किसी से भी बोर्ड से हो, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। विद ओ लेवल एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ओ लेवल एग्ज़ाम हो या फिर कोपा एग्ज़ाम, यानी कि आपका ITI का जो कोपा होता है। और नीचे लिखा गया है डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपके पास अगर कोई काम किया हो, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस पे हो, ठीक है, या फिर RSCIT, ये आपका एक कोर्स होता है राजस्थान से कंप्यूटर का, ये कोर्स हो, या फिर बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपके पास हो कोई, यानी कि CCC हो, या DCE हो, PGDCE हो, ADCE हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो। ओ लेवल के अलावा भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, और अभी मान लीजिए आप ओ लेवल कर रहे हैं, आपका ओ लेवल कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप कोई भी इंस्टीट्यूट से वहाँ से बेसिक नॉलेज का सर्टिफिकेट, यानी कि कम से कम 6 मंथ का या कम से कम 1 ईयर का सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आप इजली इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए नन TCP एरिया है, 237 पोस्ट है, जो कि स्टेनोग्राफर Grade 3 की है और हिंदी की। TCP एरिया 10 पोस्ट है, ठीक है, इसमें। और नीचे आ जाइए यहाँ पर, और स्टेनोग्राफर Grade 3 की है इंग्लिश में, जो कि 16 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर Grade 3 इंग्लिश, TSP एरिया 3 पोस्ट हैं, यहाँ पे सारी दी गई हैं। तो ये मिक्स पोस्ट हैं, अलग अलग एरिया के अनुसार यहाँ पे इसमें दी गई, लेकिन टोटल जो वैकेंसी हैं वो 277 हैं। और 10+2 प्लस ओ लेवल या कोपा या कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर देखिए अवेलेबल है, 17 पेजेस की है। और देखिए इसमें चयनित अभ्यर्थी जो होंगे नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि में ₹23,700 फिक्स्ड है, जो कि आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 वर्ष तक आपको यही सैलरी मिलेगी। उसके बाद देखिए परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक करने के बाद जो भी नियमानुसार पे मैस्टिक संख्या होगी वो L10 के अनुसार 33,800 से लेकर 106,700 आपको दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो पेज नंबर 4 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे और भी देखिए
क्वालिफिकेशन दी गई हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं। मस्ट बी पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट पोसेस गुड वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इंग्लिश देवनागरी, ये सब फॉन्ट पे आपको आना चाहिए। ओ लेवल आपके पास हो या फिर हायर सर्टिफिकेट हो आपके पास दोए का, यानी कि ए लेवल या बी लेवल भी हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। या फिर ना आपका ITI कोपा हो आपका, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस यानी कि जो आपका पॉलिटेक्निक से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, अगर हैं तो ईजिली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और फीस मैंने आपको बताई दी, इसमें देखिए सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। तो सिलेबस है जैसे कि ये है इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट का यहाँ पे दिया गया, ये हिंदी शॉर्ट एंड टेस्ट का दिया गया है। और नीचे आपका कंप्यूटर टेस्ट है जो कि स्पीच टेस्ट 10 मिनट होगी आपकी, इफिशियंसी टेस्ट होगी 10 मिनट की, 50 नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। और सिलेबस जो है आपका इसमें मेंशन मेरे अनुमान से नहीं किया गया है। हाँ, ये ज़िले वाइज वैकेंसी दी गई हैं कहाँ पे कितनी है, तो आप लोग इसको सारी PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने ही इसमें डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से ये फॉर्म ओपन होगा 1 अगस्त को, ठीक है। 1 अगस्त को आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको अप्लाई करने का जो लिंक इस रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर की यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो जब आएगी तब आप इस वेबसाइट को खोल के डायरेक्ट लिंक से ओपन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा और इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा, जो बच्चे ओ लेवल या ITI कोपा करके बैठे हुए हैं, या फिर अदर सर्टिफिकेट है, या फिर आप बनवा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।